एक चीज़ और बता दूं कि मैं अपने ही लिखे हुए को भूल जाता हूं। अगर कहीं जो है नौकर की कमीज की कथा आप मुझसे पूछेंगे जी, तो संतु बाबू को मैं जो है दीवार में खिड़की रहती थी के साथ में शामिल कर लूंगा। मैं अपना सारा लिखा हुआ जो है भूल जाता हूं, मेरे सारे पात्र गड़बड़ होते हैं, मेरा मैंने जो कथा है वो आपस में इतनी गुची और मिली जुली हुई है। पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कविता और गद्य के रचना विधान के अंतर पर कुछ आप बताइए। कोई इस तरह का विधान नहीं है, ऐसा रचना में कोई विधान नहीं होता कि अगर कहीं जिसके पालन न करने पर सजा होती है, लेकिन तब भी लेखक जो होता है उसको कटघरे में खड़ा कर दिया, और ज्यादातर कटघरे में खड़ा करना वो जो है ये आलोचक ने अपने हिस्से में, इस ताकत को आलोचक ने अपने हिस्से में ले लिया। आलोचक रचना पर कम बात करते हैं, अपनी धारणाओं पर ज्यादा बात करते हैं, वो पहले से तय की हुई चीजों पर ही बात करते हैं। उनके पास में आलोचना की कुछ शब्दावलियां हैं, वो शब्दावलियां जो है कुछ बाहर की कुछ अपने अंदर की, ये सारी शब्दावलियां जो है व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर ज्यादातर होती है, और उन्हीं व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर उन शब्दावलियों का रचना के साथ में उपयोग करते हैं। कोई आलोचक ऐसा नहीं है जिसको, या कोई आलोचना ऐसी नहीं है जिसको पढ़ने के बाद में कोई रचनाकार रचना करने पर तत्पर होता हो, और आगे सब निराश होते हैं एक दूसरे से, कोई ना कोई किसी को निराश करने वाला आलोचक कहीं ना कहीं जरूर उपस्थित है, और जो आशा बंधाते हैं किसी रचना के प्रति जो कुछ भी है सारा का सारा, वो अविश्वसनीय आशा होती है, यानी चीजें अतिरेक में हैं, ज्यादातर सारी चीजें जो है वो अतिरेक में हैं, और कोई आलोचना को पढ़ करके लेखक नहीं बन पाता है, और पाठक जो है जो रचना को पढ़ता है वो आलोचना को नहीं पढ़ता है। तो क्या आलोचना की भूमिका कोई बनती है नहीं बनती है? आलोचना जिस तरह की जैसी आलोचना हो रही है वैसी भूमिका जो है एक रचनाकार के लिए मैं उसको ठीक नहीं समझता। सवाल यह है कि आलोचना इस तरह की और ऐसी होनी चाहिए कि रचनाकार को अपनी रचना लिखने पर यह लगना चाहिए कि जो भी लिख रहा है वो वही रचनाकार नहीं, लेकिन जो भी रचनाकार अपनी रचना के साथ शामिल है वो एक अच्छा काम है। अभी जिस तरह का जैसा वातावरण साहित्य का है उसमें हिंदी साहित्य की सबसे ज्यादा खराब स्थिति है, बताइए। घूमने से भी पाठक कहीं नहीं मिलता है कि कहीं आप पाठक को ढूंढना चाहें, लेखक और पाठक इतने गैरहाजिर होते हैं कि करीब करीब ये मान करके चलते हैं कि नहीं है, मैं अपने पाठकों को नहीं जानता, मेरे पाठकों के साथ में उस तरह का कैसा जो संबंध एक लेखक का बनना चाहिए वैसा नहीं है। लेकिन दूसरी भाषाओं में ये तहजीब है, रचना की तहजीब है, यहाँ अगर कहीं कोई रचनाकार भी उपस्थित होता है तो उस रचनाकार के साथ में उस तरह का जैसा संबंध नहीं बनता जैसे कि उर्दू साहित्य में बनता है और दूसरे साहित्य में बनता है। उर्दू साहित्य में देश में और विदेश में भी मैंने देखा, कोई शायर आता है तो पता नहीं कहाँ से लड़कियाँ जो हैं आ जाती हैं और बुजुर्ग आ जाते हैं और उसके बाद में युवा भी आ जाते हैं, लड़कियां अपना नोटबुक में लिखना शुरू कर देती हैं और साहित्य को उस तरह के आदर के साथ में देखती हैं। यहाँ आलोचक स्वयं जो है रचनाकार को आदर के साथ उसको नकारने की दृष्टि पहले होती है। हमेशा पता नहीं क्या होता है कि आलोचना कुछ इस तरह की बन गई है कि ऐसा लगता है जैसे आलोचक के हाथ में खड़ी है और जो है वो चराने की कोशिश कर रहा है बाकी लोगों को, ये स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आलोचना की पूरी दर वर्तमान जो स्थिति है वो सर बहुत खराब है, उसमें आलोचना के बने बनाए बंधन है, लेकिन आलोचना की एक सच परंपरा भी रही है जैसे कि कामायनी का पाठ मुक्तिबोध ने किया है, और कामायनी से को मतलब जो उनकी आलोचना है वो कामायनी को व्यापक अर्थ प्रदान करती है। वैसी ही मुक्तिबोध जी असल में रचनाकार है, उन्होंने जो अपेक्षाएं की होगी अपनी आलोचना की, मुक्तिबोध जी भी आलोचक से निराश हुए, ऐसा नहीं मिला किसी से। रामविलास शर्मा तो उनको जो है मुक्तिबोध जी को अभी भी जो है कवि के रूप में उस तरह से नहीं मानते हैं। आखिर ये धारणा किस तरह की और कैसे बन जाती है? आप मुझे बताइए कि ऐसे आलोचक भी हैं जो कविता लिखते हैं और कविताओं को इस तरह से नकारते हैं जैसे कि उनकी लिखी हुई कविताएं सारी उदाहरण है, हम क्यों ना माने कि उनकी कविता उदाहरण है, और ऐसा लगता हो कि उनकी कविता उदाहरण है तो भी नहीं है। आप ये देखिए कहानीकार ऐसे जो ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, और उसके बाद में भी एक आलोचक दूरनासी ने मुझसे कहा वर्धा में, मैं भी यानी
क्या नाम से राइटर इन रेजिडेंस आवासीय लेखक हूँ वहाँ पर, दुर्गा जी भी ऋतुराज भी है वहाँ पर। उन्होंने मुझसे कहा कि जो है आप जनोन्मुख नहीं है, आपकी रचनाएं जनोन्मुख नहीं है, इसलिए आप प्रगतिशील नहीं है। तो मैंने कहा कि मेरी पहली कविता लिखी हुई है जो प्रकाशित हुई है कृति में, और आज की अंतिम कविता को लेके उन सारी कविताओं को शामिल करके बताइए कि जनोन्मुख नहीं है। होता क्या है कि सारे आलोचक जो हैं रचना का उदाहरण दे करके नहीं बताते, खुद रचना करते हैं और अपनी उदाहरण को रचना की तरफ उपस्थित नहीं करते हैं, कि बहुत आश्चर्य की बात है ये। तो वही चीज है कि उनके पास में छड़ी है और बाकी जब जो है वो बकरियों की तरह है जिनको वो चराते रहते हैं। जी निश्चित रूप से है कि आलोचना का जो पूरी परंपरा चल रही है इस समय, उसमें सर बहुत सारी कमियां कमजोरियाँ, लेकिन सर बहुत सारा साहित्य ऐसा भी है जिसमें कथा कथ्य के नाम पर बहुत कुछ कम होता है, सिर्फ खेल मतलब भाषा की बाजीगरी अपनी पूरी दिखाई पड़ती है। तो क्या आपने उसी तरह आलोचक जैसा कहते हैं, ये भाषा की बाजीगरी क्या है आप ये बताइए कि ये क्या मतलब होता है भाषा की बाजीगरी, आप इससे क्या समझते हैं, आप मुझे बताइए समझाइए, आप उदाहरण देके मुझको बताइए कि ये भाषा की बाजीगिरी है। आप किसको भाषा की बाजीगिरी कहते हैं आप मुझे बताइए। सर मतलब इसमें कथानक बहुत छोटा है और ऐसे में फिर हम पाठ करते समय हम किन बातों का ध्यान रखें। अब आप ये बताइए, लेखक के अलावा जो कुछ भी जितने पढ़ने वाले हैं, जो असंख्य भी होते हैं, वो इतने अलग अलग होते हैं, क्या कोई लेखक किसी एक पाठक को इस तरह से लिखे कि केवल वही संतुष्ट हो। असल में रचना जो होती है, जो जो रचनाकार की है, उसकी अपनी अभिव्यक्ति होती है, और उसकी ये जो अभिव्यक्ति जो है कोई ऐसी अभिव्यक्ति नहीं होती है कि सारे के सारे लोग पाठक लोग जो है उसके साथ में इस तरह का सामंजस्य बैठाएं कि उनको ये लगे कि वो संतुष्ट हैं। एक सवाल है सर, जो आपने नूरनाथ सिंह जी का नाम लिया उसी से जुड़ी हुई बात थी, लेकिन उनका नाम नहीं है, संदर्भ है उस चीज़ का कि आपकी कहानियों कविताओं उपन्यासों का जीवन निम्न मध्यवर्गीय जीवन है। हाँ। चारों उपन्यासों का कविताओं का कहानियों में भी जो जीवन आया वो निम्न मध्यवर्गीय जीवन है, उनमें जो चित्रण है वो गरीबी का भूख का भाव का सब है, सब तरफ है, ये उनकी कथा वस्तु है, लेकिन उनका जो प्रस्तुतिकरण है वो भिन्न है। गरीबी भूख अभाव अपने दंश से मुक्त होकर वहाँ पे रचनाओं में आती है, जैसे खिलेगा तो देखेंगे में भूख है और रोटी है, लेकिन उसका दंश उस तरह से नहीं है। आप कैसी बात करते हैं, खिलेगा तो देखेंगे इस उपन्यास को मुझको लगा कि तो त्रासदी का उपन्यास ही है, लेकिन आप ये मुझे बताइए क्या आप ये मान करके चलते हैं कि एक गरीब आदमी को हंसना नहीं चाहिए, क्या एक गरीब आदमी क्या किसी से प्रेम नहीं कर सकता, क्या अपनी पत्नी से एक गरीब आदमी प्रेम नहीं कर सकता, क्या गरीब आदमी के बच्चे नहीं होते। तो ये आप कैसे मानना चाहिए कि सारा मुझे जो है किसी अगर कहीं किसी गरीब के मैं ऐसा यथार्थ मैं क्यों हूँ कि जहाँ पर थोड़ा सा भी जो है ऐसा कुछ उसकी अपनी थोड़ी सी टिमटिमाहट जरूर है, चारों तरफ अंधेरा है लेकिन उसकी जो टिमटिमाहट है भले उसके इर्द गिर्द हो लेकिन वो भी तो अपनी तरह से सोचता और समझता है, वो भी तो सुख पाने की कोशिश करता है। अगर मान लीजिए मैंने इस तरह इसको बताने की कोशिश की है तो इसमें क्या गलत है। सकारात्मक चित्रण के अलावा सकारात्मक का क्या मतलब होता है, संसार में सब कुछ अच्छा है वही सकारात्मक है, पहली बात वही सकारात्मक नहीं होता है। बार बार यथार्थ की भी बात करते हैं और इस मतलब जो है आलोचक और इस बात की आशा भी करते हैं कि जो कुछ भी होना चाहिए अंत में चीजें ये प्रगतिशीलता की आवश्यकता है कि वो चीजें जो है सुखद होनी चाहिए, उसमें एक आशा बनी होनी चाहिए। इस निराशा से भरी जिंदगी में हर बार आशा कहाँ से आएगी, कुछ कभी कभी आप ये बताइए एक ही रचना में सब कुछ हो जाना चाहिए, यानी बताइए इस तरह की बात होती कि आपने ये लिखा लेकिन उसके बारे में नहीं लिखा, ये भी कोई बात हुई। आदमी को केवल एक ही चीज लिखना है, उसको तो न मालूम कुछ ना कुछ लिखना है,
उसको तो सारी जिंदगी लिखना, सब कुछ समझना चाहता है ये, फिर उसके बाद में किस पाठक की या किस आलोचक की धारणा के अनुसार किसी लेखक को इस तरह से लिखना है कि पूरा संसार संतुष्ट हो जाए, सारे पाठक उसके साथ में संतुष्ट हो जाए, ये कैसे हो सकता है। एक सवाल ऑब्जर्वेशन पे है, आपको जीवन से इस गतिमान संसार से इसमें हो रही जो चहल पहल है सबसे बड़ा प्यार है लगता है, उपन्यास कहानी ये सब कुछ पढ़ के लगता है, जो घट रहा है उससे आपको बहुत अफेक्शन है, प्यार है, और ये मतलब ये कि जो जो बुरा हो रहा है उससे भी मुझे प्यार है। नहीं नहीं मैं ये पूरा जो किसी के साथ गलत हो रहा है उससे भी मुझे प्यार है। नहीं नहीं जो अच्छा घट रहा है आप उसको उसको अच्छा चित्रित करते हैं और ये अच्छी बात है, मैं अच्छे सेंस में बोल रहा हूँ कि सवाल पूरा सर हो जाए तो बात पूरी आ जाएगी। इसका सूक्ष्म से सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन आपके पास होता है, जो हम चीजें लोग सामान्यतः देखते हैं लेकिन उसके अंदर जो चीजें हैं, जैसे आपने कहा मैं भाषा में नहीं मैं दृश्य में सोचता हूँ, पार्टी में जो दृश्य हम देखते हैं लेकिन उसके अंदर जो चीजें हैं देखने से छूट गया है वो आप दिखाते हैं और ये पढ़ के लगता है कि नया देख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है देखते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशन है आपका चीजों के प्रति इसका कारण क्या है, किस तरह ऑब्जर्वेशन ये चीजें बहुत मुश्किल है, पीछे का अनुभव बताइए। बहुत बहुत मुश्किल है इसको बता पाना, मैं खुद नहीं जानता, और अगर कहीं एक तो मैं खुद जानता नहीं और किसी दूसरे ने मुझे बताया भी नहीं, तो ये मुझे बताइए कि जिसे मैं खुद नहीं जानता किसी दूसरे ने मुझे बताया नहीं कि ये क्यों होता है और कैसे होता है ये मुझे नहीं पता, तो ये तो बता सकना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है ऑब्जर्वेशन के बारे में जी, क्यों ऐसा ऑब्जर्वेशन है जी। एक सवाल ये है कि आपके मतलब जीवन में मुक्तिबोध परसाई सबका साथ आपको मिला है, अभी मुक्तिबोध का आपने जिक्र भी किया, तो जैसे आपकी कविता है ये रायपुर बिलासपुर संभाग वाली जी, तो उसमें कई जगह लगता है कि मुक्तिबोध की छाया या कुछ शब्दों में कई जगह का उदाहरण भी तो बताते जाइए, ऐसा क्या कहने का मतलब कि कई जगह लगता है, मैं कैसे मान लूं आपसे आपके कहने कई जगह लगता है, आप उदाहरण बताइए जी, ये पहले कविता हाँ जल्दी करिए जल्दी करिए शैली में नहीं है सर, जिज्ञासा की शैली में। अरे नहीं नहीं चलिए बताइए, तो मैं भी खुद जानना चाहता हूँ, कोई ऐसा तो मुझे बताए कि कहाँ पर जो है मुक्तिबोध का प्रभाव, किस तरह का मुक्तिबोध का प्रभाव। एक है पंक्ति आती है, गूंजी तब गाड़ी की तेज सीटी, कानों में हवा साए गूंजी, अंधेरे अधर में लहर गई एक हरी बत्ती, किसी खूंखार जानवर की अकेली आंख अंधेरे में हरी चमकी। यहाँ एक मतलब पाठक को लगता है ये जरूरी नहीं कि अंतिम हो, इसमें मुक्तिबोध का क्या प्रभाव है ये तो बताइए, एक चीज मैं बताऊं प्रभाव अगर नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा, नहीं नहीं मुक्ति बोध अगर देखिए मैं पढ़ते हुए मेरी लिखने याद आते की जो जो दृष्टि जो मिली जी 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 जिसको कहते हैं आंख खोलना जी, वो तो मेरे ख्याल है कि ये तो मुक्ति बोध जी से संभव हुआ है। मुझको लगता था कि संसार को किस तरह और कैसे देखना चाहिए, मुक्ति बोध जी से मिलने के पहले अगर नहीं मिला होता तो मैं इसको कभी जान नहीं पाता, ये तो एक संयोग था कि मैं मुक्तिबोध जी के संपर्क में अपने शुरुआती दिनों में आया और एक बार भी मुझको लगा कि संसार को किस तरह देखना चाहिए, बावजूद इसके कि मुक्तिबोध जी की रचना को मैंने उस समय जब मुक्तिबोध जी थे थोड़ा भी नहीं समझता था, अब तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुक्तिबोध जी की रचना को मैं बिल्कुल नहीं समझता था, रचना को उस तरह शब्दश जो है कभी भी नहीं समझा जा सकता जिस तरह आम तौर पर रचना को समझने और समझाने की बात जो है कॉलेजों में और स्कूलों में और रचना के साथ में जो अपेक्षा जो होती है जैसे प्राय आलोचक लोग समझते हैं, रचना जो है ये समझाने की चीज नहीं है, ये तो समझने की चीज है और खुद के समझने की चीज है और हर के समझने की चीज बिल्कुल अलग अलग होती है, और रचनाकार रचना को बिल्कुल इसी तरह से लिखता है, किसी एक के लिए नहीं लिखता है, और उसके बाद में सारे लोग रचना जो है अनुभवों के आधार पर होती है और रचना को समझने के लिए पाठक की जो समझ जो होती है उसके अनुभव के आधार पर होती है, पूरी तरह से कोई भी रचना उस तरह से समझी नहीं जा सकती जिस तरह से जैसे कि लेखक ने बताया है, सारे पाठक अपनी अपनी तरीके से उस रचना को समझते हैं, और रचना को इतना आसान और इतना निर्लज्ज मत मानिए कि हर किसी के लिए जो है बिल्कुल खुल करके नग्न होकर के उसके सामने आकर के उपस्थित है, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है, और पाठक को किसी भी रचना को समझने के लिए एक एक स्थिति को पाना होता है, हर बार रचनाकार से ये तो समझा जाता है कि वो पाठक के पास पहुंच जाए, कोई जादू है, पाठक क्यों ना रचना के पास में पहुंचे,
ऐसी स्थिति कब बनेगी, वो सबसे ज्यादा आइडियल स्थिति होगी जब पाठक रचनाकार के पास में पहुंचेगा। हर बार जो है लेखक को जो है कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि इसको समझ में नहीं आती और उसको समझ में नहीं आती। अगर कहीं इस तरह रचना का सरलीकृत करना है कि सबको समझ में आ जाए, इस ऐसी रचना का कोई मतलब नहीं। मैं अपने लिखे हुए का अनुवाद की किसी दूसरे को, आपको, आपको या इनको समझ में आ जाए, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। ऐसे में कोई कुछ क्यों करेगा, सारा संसार जो है सरलीकृत हो जाएगा। क्या हम अपनी एक बौद्धिक स्थिति में आकर के, मान लीजिए मुक्तिबोध जी लिखते हैं, तो क्या दूसरों को उस बौद्धिक स्तर पर आकर के मुक्तिबोध जी की रचना के समीप नहीं आना चाहिए? सारा कुछ जो है मनोरंजन से ही सब तय होना चाहिए, आसान तरीके से होना चाहिए कि आदमी रिलैक्स कर रहा है, रचना पढ़ा तो नींद आ गई। होना ये चाहिए कि रचना को पढ़ा और उसकी नींद उड़ गई। क्यों नींद आया उसको? दरअसल सवाल यहाँ सर परंपरा का है कि मुक्तिबोध जैसे लिखते हैं कि चार का गजर कहीं खटका, तो वैसे ही इसमें जो लाइन जो आती है इसमें, तो ये सर उसी परंपरा में आती है, जैसे कि किसी खूंखार जानवर के अकेले अंधेरी आंख में हरी चमक। आप ये मुझे बताइए कि इसमें गलत क्या है? पूछना क्या है ये बताइए। मैं तो स्वीकार करता हूँ कि भाई मैं मुक्तिबोध जी के संपर्क में रहा और मैं उनके प्रभाव और उनकी वजह से ही मेरी नजर जो है बदली। अगर मुक्तिबोध जी से नहीं मिला तो मेरी नजर कुछ शायद दूसरी होती। तो इसमें गलत क्या है मुझे बताइए। हाँ चलिए आगे बढ़िए। सर एक मुक्तिबोध और परसाई पे ही मैंने लिखा था कि दोनों के बारे में संस्मरण कोई नहीं बताइए। हाँ परसाई और मुक्तिबोध के बारे में संस्मरण कुछ हो तो कुछ नहीं। अनेक कुछ एक तो क्या है कि उनसे जब भी मिलता हूँ तो वो संस्मरण, लेकिन मैं हमेशा भूल जाता हूँ। मैं जब अपने आप को भी भूल जाता हूँ तो मैं कैसे दूसरों के संस्मरण को अपने साथ में रख सकूँगा? ये बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं जब भी मिला अगर कहीं मुश्किल मेरी, मैं उन सब चीज़ों को उस तरह से याद कर पाता जिस तरह जब मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैं उसको बता पाता, तो ये मेरे लिए बहुत अद्भुत समय होता। लेकिन मैं उन सारी चीज़ों को जो बीत चुकी मैं उस तरह से बता नहीं सकता। मेरी जिंदगी में मुक्तिबोध जी आए और मुक्तिबोध जी की चिट्ठी लेकर ही मैं हरिशंकर परसाई से मिलने के लिए गया। स्थिति यहाँ तक की थी कि यूं ही बातचीत में जब मालूम पड़ा कि कृति की पत्रिका जो है महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड से निकल जाती है, मुझको अपनी लिखी हुई कविताएं कृति में मिलती नहीं है, तो परसाई जी ने कहा तुम ऐसा करो तुम मेरे घर को अपने घर का पता बना दो। तो मैंने जो है उनके घर को अपने घर का पता बना दिया। तो जब तक मैं जबलपुर में रहा तो 1533 नेपियर टाउन जो है, जो उनके घर का पता था, मेरे घर का पता बन गया। और मैं परसाई जी के यहाँ जाता था, बार बार आता था। मुक्तिबोध परसाई जी जो है एक छोटे से घर में रहते थे और मुक्तिबोध जी मेरी हर आहट को जैसे पहचान गए थे कि मैं आया हुआ हूँ। मुक्तिबोध जी परसाई जी जो है मेरी हर आहट को पहचान गए थे। वो जिस कमरे में बैठ करके लिखते थे वो बाहरी कमरा होता था। मैं जब साइकिल टिकाता था वहां पर, मैं स्टैंड में नहीं लगाता था अपनी साइकिल को। मुझे लगता था कि साइकिल किसी के धक्के से गिर जाएगी, किसी गाय के धक्के से गिर जाए साइकिल या हवा के धक्के से साइकिल गिर जाएगी तो मेरी साइकिल टूट जाएगी, मुझे बनवाना पड़ेगा, मेरे पैसे खर्च होंगे। तो मैं उस साइकिल को दीवार से टिका करके रखता था। दीवार से साइकिल को टिकाना परसाई जी उसको सुन लेते थे अगर उस कमरे में होते थे, क्योंकि उसी दीवार से टिक करके वो लिखते होते थे और मुझसे बोलते थे आते ही साथ आओ विनोद आओ, और मैं चला जाता था। रबर की चप्पल मैं उतारता था उनके घर के सामने और उसके बाद में मुझको लगता था कि जो कुछ मुझे मेरे दिल में जो भरा हुआ है जैसे लगता है कि सब शांत हो गया। और परसाई जी के पास में बैठता था और मुझे बहुत अच्छा लगता। चलिए एक भाषा में सवाल है कि जैसे आपकी एक कविता है, दोस्त से मैंने कहा कि सूखी झील पर बसे हुए शहर की तरह था, अब यहाँ वाक्य पे फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम। वाक्य में जो शुरुआत के 5 शब्द हैं उसके बाद के जो 7-8 शब्द हैं, यहाँ ऐसा क्या आपको नहीं, ये आरोप की शैली में है, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये थोड़ा बनावटी या कृत्रिम है? देखिए आप ये बताइए कि कविता जो है कैसी कितनी प्राकृतिक होती है, सारा कुछ बनाया हुआ है और जानबूझ करके बनाया हुआ है। आप उदाहरण देके बताइए कि किसकी कविता जो है बनावटी नहीं है। कविता को तो बनाना पड़ता है,
सारी रचना बनावटी है। जब त्रिलोचन कहते हैं चंपा काले अक्षर नहीं चीनती, तो हमें समझ आ जाता है कि चंपा इससे क्या होता है। जो आपको समझ में आ जाए वो ठीक है, आप ये कैसे मान के चलते हैं जो आपको समझ में आ गया वो दूसरों को समझ में नहीं आया होगा। केवल आप जो है अपनी ही समझ को सब कुछ समझते हैं। नहीं, वो फिर नहीं, ये कैसे मानते हैं ये, और ये कैसे मानते हैं कि तो ये जो है त्रिलोचन जी ने जो कविता जो लिखी है उसका एक पेड़ है वहां पर उनके आंगन में लगा हुआ है, उस कविता को उस पेड़ से तोड़ करके ले आए, इतनी प्राकृतिक कविता है, क्या आप ऐसा कह सकते हैं? उसको कैसे कह सकते हैं? त्रिलोचन जी ने एक कविता बनाई। हम सारी कुछ जो है अपनी रचना को बनाते हैं, जानबूझकर बनाते हैं। हम जो है ये सब खिलवाड़ या जादुई या इस तरह शब्दों के खेल के बारे में करते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम अपनी अभिव्यक्ति को शब्दों में हम पाना चाहते हैं, हम इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि हम जो कहना चाहते हैं उसको कह सकें। हम कोई खेल नहीं करते हैं, जो आलोचक आमतौर पर कहते हैं शब्दों का खिलवाड़ करते हैं, ये क्या मतलब होता है शब्दों का खिलवाड़ करने का? आप लोग बुरा मत मानिए, अनुक्तिबोध जिसे कहते हैं कि जो साहित्य है वो तो साहित्य को हम तीन स्तरों पर जीते हैं, तीन क्षणों में, जिसको कहते हैं कि पहले हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं, मतलब पहले किसी को हम देखते हैं, फिर उसको हम अभिभूत मतलब उसको महसूस करते हैं, और तीसरे क्षण में हम उसको अभिव्यक्त करते हैं। रचना की पूरी प्रक्रिया में तीन स्तरों पर जा करके रचना बनती है। इस संदर्भ में आप अपने पूरे साहित्य को किस रूप में देखते हैं? ये जो है क्षण सब लोगों के लिए बदलते हैं। मुक्तिबोध जी की रचना का क्षण कुछ और होगा, मेरी रचना का क्षण तो कुछ दूसरी तरह का है। मैं अपने समय को जीता हूँ, मुक्तिबोध जी ने अपने समय को जिया। ये जरूर है कि रचना जो है अपने समय में एक शाश्वत स्थिति, एक अच्छी रचना जो है, जैसे मुक्तिबोध जी की रचना है, अपने को एक शाश्वत स्थिति, जैसे मैं अपने को रचना जो है वो खड़ा रखते हैं। ऐसा सबके साथ में नहीं होता कि रचना उसी तरह स्टैंड करे कि जैसे वो एक शाश्वत जैसी चीज़ है और समय का उस पर उस तरह का प्रभाव नहीं पड़ा। एक लंबे समय तक इस तरह रचना जो है अपने आप को स्थापित कर करके रखती है, तो उनके लिए वो क्षण होगा। मेरे लिए तो रचना का क्षण तो कई बार तो युग के बराबर होता है। मेरे लिए एक उनके मुक्तिबोध जी एक बड़े थे, बड़े लेखक थे, वो तो एक एक क्षण को, एक रचना के क्षण को क्षण की तरह जी लेते होंगे, मेरे लिए तो युग की तरह है। उनके तो एक एक क्षण को गुजारना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ता है। ये तो मैं कैसे उस तरह से मैं कह दूं कि उनकी जो है मुक्तिबोध का क्षण मेरा क्षण है? मुक्तिबोध का क्षण मेरा क्षण नहीं, उनका क्षण कुछ दूसरा। सर, एक कविता से जुड़ा हुआ सवाल है कि कविता में पूरा वैचारिक पक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, या आप जो वैचारिक पक्ष अगर हम उसे अगर हम छोड़ दें तो उसमें जो विचार मुक्त कविता, जो क्षण मुक्त कविताएं होती हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण? देखिए, फिर मुझे रचना सुनिए, विचार मुक्त और क्षण मुक्त से क्या मतलब है? कोई स्थिति या कोई ऐसा क्षण बताइए जब आदमी विचार मुक्त हो? कोई आप बताइए, ये कैसे हो सकता है विचार मुक्त? आप सोचना कब बंद करते हैं? आप मुझको बताइए। मैं तो रात को मुझको ठीक से नींद नहीं आती, मैं सोचता हूँ और मैं स्वप्न देखता हूँ, तो मुझको कई बार ऐसा लगता है कि मैं सोच नहीं रहा हूँ, स्वप्न देख रहा हूँ, और कई बार मुझको ऐसा लगता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ। तो ऐसे मेरे साथ में कभी कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती जब मैं सोच नहीं रहा होता, वो तो मर जाने के बाद में ही शायद कोई ऐसी स्थिति बनती होगी जिसे मैं नहीं जानता। लेकिन आप मुझको उदाहरण देने के लिए बताइए कि जब कोई विचार नहीं कर रहा होता, ये आदमी विचार नहीं कर रहा है, आप मुझको बताइए। ये सब चीजें जो कहने की जो है ये सब आरोप लगाने की है। लेखक को कटघरे में खड़ा कर देना और उससे सवाल पूछना, और हर सवाल पूछने वाला आदमी बड़ा होता है और हर जवाब देने वाला आदमी छोटा होता है, मतलब सब चीजें विनम्रता में ही। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कि आप गाली गलौज कर रहे हैं? चलिए, आपकी कविताओं में किसी दृश्य भाव को पुख्ता करने के लिए या सत्यता के लिए अक्सर ऐसी पंक्तियां आती हैं, मैं पंक्ति आपकी सुना रहा हूँ। तीन, बत्तख का झुंड बत्तख की तरह था, बत्तख की तरह चोंच और पंख थे, ये असर्ट करने या बलाघात करने वाली पंक्तियां काफी आती हैं आपकी कविताओं में, ऐसा क्यों? कोई भाव आप महसूस करते हैं उसे? बत्तख का झुंड बत्तख की तरह था, उसमें जोड़ दिया है जिसका उदाहरण नहीं दिया इसके? आपने कहा और बाकी कविताओं में भी इसी तरह का आता है, आपने उसका उदाहरण नहीं दिया। मैं नहीं जानता और बाकी किस कविताओं में किस तरह और कैसे क्या चीजों पर, ये मेरी 60s की कविताएं हैं,
बहुत शुरुआती दिनों की कविताएं हैं ये। इसमें आप आपका प्रश्न क्या है ये मुझे बताइए, ये तो मेरी कविता है उसको आपने उदाहरण देके बता दिए, लेकिन इसका आपका प्रश्न क्या है, आपकी जिज्ञासा क्या है ये बताइए। मेरी जिज्ञासा इसमें ये है कि जैसे आपने ये दृश्य देखा, आप उस पे पाठक को बल देना चाहते हैं कि मैं दृश्य देख रहा हूँ, इसको खूब जोर देना चाहते हैं आप, ये मुझे और वो उसकी तरह था। आप मुझे जैसे आप मतलब आप खुद ही इसको महसूस करना चाहते हैं कि ये ऐसा है। आप देखिए, हम सारे लोगों की तुलना करते हैं, हम तुलना में दूसरों को उपस्थित करते हैं, लेकिन तुलना में हम उसी को क्यों नहीं उपस्थित कर सकते। साहित्य में अब तक यही होता रहा कि जब भी हम किसी की कोई बात करते हैं तो किसी दूसरे के साथ में जोड़ के बात करते हैं कि ये उसके समान दिखता था, वो उसके समान दिखता था, कोई जो है अपने ही समान क्यों ना दिखे। अच्छा जवाब है, यानी आपने कटघरे में खड़ा कर दिया है, अब हथकड़ी लगने की संभावना कम है। हाँ चलिए चलिए। मुक्तिबोध यथार्थ को अवगत करने के लिए फैंटेसी का प्रयोग करते हैं, आप यथार्थ को अवगत करने के लिए आज किस शिल्प का प्रयोग करते हैं? मैंने जो लिखा हुआ है तो आप बताएंगे, मैं क्या करता हूँ ये मैं कैसे बता सकूंगा इसको कि मैं क्या करता हूँ। लेकिन तब भी मैंने इसके पहले कहा था, अगर जिंदगी में केवल यथार्थ हो तो आदमी जिंदा नहीं है। बार बार जो है लोग पीछे पड़ गए हैं यथार्थ के पीछे, यथार्थ यथार्थ और यथार्थ। आप ये बताइए, अगर फैंटेसी नहीं होगी तो हम यथार्थ से बिल्कुल नहीं लड़ सकते, केवल यथार्थ होगा आपको जिंदा नहीं रहने देगा। मैंने बार बार कहा है, आज भी BBC में मैंने ये कहा कि जब हम बहुत ज्यादा परेशान दुखी और अपने यथार्थ से निराश हो चुके होते हैं तो किसी अपने के करीब जाते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं, तो वही कहता है जो हमारा अपना है और हमारा सब कुछ है, वो हमसे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। और ये सब ठीक हो जाएगा सबसे बड़ी फैंटेसी है, सब ठीक कभी नहीं होता है, समझ गए आप, कुछ ना कुछ जरूर बचा हुआ रहता है। अगर ये सब ठीक हो जाएगा नहीं तो आप मुझे बताइए हम कैसे लड़ाई लड़ें हम यथार्थ से। तो यही फैंटेसी हमको लड़ने की ताकत देती है, अगर केवल यथार्थ हो। संसार में ऐसा कोई यथार्थ का हथियार नहीं बना जो यथार्थ को काट दे, दरअसल फैंटेसी ही यथार्थ बनाती है। अचानक क्या होता है कि एक नहायत कमजोर आदमी जो होता है ऐसी कुछ हरकत कर देता है कि सारे के सारे लोग डर जाते हैं, ये कैसे होता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर कहीं यथार्थ जिस तरह का जैसा यथार्थ है उसकी तकलीफों को दूर करने के लिए फैंटेसी से हमको एक यथार्थ हथियार की जो है जरूरत की हमारी पूर्ति होगी। एक सवाल है मेरा कि कविता का शीर्षक आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया है, बताइए मैंने जीवन में इतना बड़ा ऐसा केवल विद्यार्थी हैं आप लोग, यही जानकर कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना तो मैं कतई आपसे बात नहीं करता। चलिए एक एक कविता का शीर्षक आप नहीं देते हैं, जो पहली पंक्ति होती है प्राय कविता का शीर्षक वही आप प्रकाशक अपनी सुविधा के लिए या आपने कहा होगा तो कर देते हैं। कविता को शीर्षक की अंतर्वस्तु या प्रतिध्वनि पंक्ति या शब्द भी कहा जाता है कि शीर्षक जो है वो कविता या उपन्यास या विधा की अंतर्वस्तु को चिन्हित करता है ऐसा माना जाता है। ऐसा माना नहीं जाता, ऐसा पढ़ाया जाता है, ऐसा पढ़ाया जाता है। अब आप बताइए आपकी कविता कितना गलत पढ़ाया जाता। मैं बता वो मैं बोल देता हूँ, मैं यही प्रश्न बार बार मुझसे पूछा जाता है। शीर्षक को मैं आधे कटे हुए गर्दन की तरह कविता से अलग मानता हूँ, वह कविता का शब्द नहीं है लेकिन कविता के लिए एक शब्द है, कविता के हिस्से में वो शामिल नहीं है। शीर्षक शीर्षक एक ढक्कन की तरह होता है, जैसे कोई चीज अंदर रख दी गई हो और उसमें ढक्कन को बंद कर दिया गया हो, क्योंकि हम शीर्षक के अनुसार से हम जो है रचना को अर्थों में उस तरह से घटाने की कोशिश करते हैं। मुझको ये लगता है कि वो कविता को सीमित करती है, कविता के अर्थों को सीमित करती है, लेकिन एक पहचान बनाती है, उस पहचान के लिए सूची में दाखिल होने के लिए ही उतनी उसकी जरूरत है, उससे जरूरत नहीं, उससे ज्यादा जरूरत नहीं। यह उसी तरह है जैसे किसी व्यक्ति का कोई नाम होता है, ये उसकी पहचान के लिए है, लेकिन सब लोग अपने नाम की तरह अर्थों में अगर कहीं जाकर के देखें क्या वैसा होता है, लेकिन नहीं होता। अगर कहीं आप बताइए वही स्थिति पैदा हो कि हम जो है शब्दों की नाम के आधार पर हम आपको आंकना शुरू कर दें, हम मान लें धन कुबेर हैं आप, तो हम कैसे मान लें कि आप धन कुबेर हैं। तो वही शीर्षक की स्थिति है, आप सब जो है वही स्थिति शीर्षक की है,
तो शीर्षक देने की कतई जरूरत नहीं है। मुझको एक पाठक की हैसियत से इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि मेरे अर्थ लगाने में कुछ भी बाधक ना हो, शीर्षक भी बाधक ना हो। चलिए भाई, मैं थक गया बुरी तरह। हम लोग सब थक चुके हैं, बताइए। हम लोग बूढ़े लोग हैं सब, और हर थोड़ी थोड़ी देर में दवाइयाँ खाने वाले लोग हैं। 11 गोलियाँ खानी पड़ती है मुझे। एक प्रतिकार से प्रश्न है मेरा। दीवार में खिड़की रहती थी में एक दृश्य है, जब स्कूल का प्रिंसिपल आता है और रघुवर प्रसाद के घर में, और उसे वो खिड़की नजर नहीं आती, इसका क्या प्रतिकार है? अरे आप मुझे बताइए, आप मेरी कविता के, मैं एक लेखक की हैसियत से हर जगह मैं कहाँ उपस्थित रहूंगा, आप ये बताइएगा। मैं कहाँ एक एक चीज के अर्थ को मैं कितने लोगों को और कैसे मैं संतुष्ट कर सकूंगा, ये किसी भी रचनाकार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब आप ये बताइए कि मेरे कमरे में मेरी चीज रहती है, वो मुझे दिखाई नहीं देती है। कई बार मेरी पत्नी उसको ढूंढ करके बताती है कि ये तो रखा है। कई बार मैं अपनी आंखों में चश्मा लगाए हुए रहता हूँ और मैं चश्मे को ढूंढता हूँ। आप मुझे बताइए कि इस तरह की स्थितियां बनती है मेरी जिंदगी में, और आप इस तरह की बात जो है एक पाठक होने की हैसियत से आप सारे लोग जो है अब पूछेंगे लेखक से, तो लेखक क्या समझाएगा आपको। चलिए मैं थक गया बहुत बुरी तरीके सर, आखिरी सवाल है। अरे भाई चलिए, साहित्यकार अपने विधायक कल्पना द्वारा जीवन की पुनर्रचना करता है साहित्य में। हाँ, वो यही पुनर्रचना ही साहित्य है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, लिखते समय सबसे पहले तो अपनी जिंदगी पर नजर पड़ती है, अपने जीवन पर नजर पड़ती है, फिर अपने लोगों के जीवन पर नजर पड़ती है, परिवार है, बच्चे हैं, फिर मोहल्ले पर नजर पड़ती है, दुनिया पर नजर पड़ती है, जिनको हम जानते हैं उन पर नजर पड़ती है कि कुछ और जान ले, जिसको नहीं जानते हैं उस पर भी नजर पड़ती है कि इसको भी जान लेते तो कितना अच्छा होता। ये एक रचनाकार की नजर न मालूम इस तरह कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस किस तरह से गुजरती हुई चली जाती है। वो तो अपनी रचना के लिए एक एक चीज को, एक एक जो है छुपी हुई चीजों को जो है कुरेद करके, अपनी दृष्टि से कुरेद करके पा लेना चाहता है। आप ये बताइए, शुरुआत तो अपनी ही जिंदगी से होती है,